रंग लाई मंत्री गिरीश महाजन की शिष्टाई। आखिरकार 24 घंटे बाद आदिवासियों का आंदोलन समाप्त। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अपनी जमीन की मांग को लेकर हजारों आदिवासी महिला पुरुष बच्चे जिलाधिकारी ऑफिस पर मोर्चा ले आए। इन लोगों की मांग थी कि जब तक हमें लिखित स्वरूप में आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। बाद में हुआ भी यही, जिलाधीश ने आंदोलनकारियों को बताया कि वे अकेले इस संदर्भ में निर्णय नहीं ले सकते। इस वजह से अपनी मांग पर आदिवासी डटे रहे और रात भर कलेक्टर ऑफिस के सामने सड़क पर बैठे रहे। कई आदिवासी महिलाएं सर्दी के मौसम में सड़क पर ही सो गई। लोक संघर्ष मोर्चा ने या ठिकाणी काल जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आपला मोर्चा या ठिकाणी आणलेला होता। दुपार 1.5 ते 2 हजार आदिवासी बांधव सगळे भगिनी या ठिकाणी कालपासून या ठिकाणी आलेले आहेत। खरं म्हणजे कालच हा मोर्चा संपायला पाहिजे होता। त्याचे जे नेते आहेत या मोर्चाच्या प्रतिमाते शिंदे यांची मागणी होती की जिल्हाधिकाऱ्यांनी खाली येऊन गेटच्या बाहेरून आमचं त्या ठिकाणी निवेदन स्वीकारावं अशी त्यांची त्या ठिकाणी मागणी होती। परंतु जिल्हाधिकारी म्हणाले की आपण वरती यावं। या सगळ्या तूतूमयमयच्या गडबडीमध्ये त्या ठिकाणी हा मोर्चा त्या ठिकाणी जागेवर हल्ला नाही। जिल्हाधिकारी साहेब पण काल दौऱ्यावर होते, त्यांना यायला या ठिकाणी संध्याकाळ झाली, 7 वाजलेत आणि नंतर मग भेट झाली नाही, चर्चा झाली नाही आणि त्यामुळे मग सगळे आदिवासी बांधव रात्रभर या रस्त्यावर या ठिकाणी झोपून होते। आदिवासी मोर्चे का नेतृत्व कर रही महिला नेता प्रतिभा शिंदे ने घोषणा की कि जब तक कलेक्टर स्वयं हमें लिखित रूप में नहीं देंगे हम सड़क पर ही सोएंगे। रात भर आदिवासी पारंपरिक आदिवासी नृत्य और आदिवासी गीत गाकर प्रशासन और सरकार को दुहाई दे रहे थे। आंदोलन के दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन स्वयं आंदोलनकारियों से मिलने पहुंचे। तब मामला सुलझता हुआ दिखा। वे अपने साथ स्थानीय विधायक राजू मामा भोड़े, महापौर ललित भाऊ कोल्ले और कलेक्टर किशोर राजे निंबाड़कर के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार की ओर से आदिवासियों के मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आदिवासियों और जिलाधिकारी की मीटिंग भी फौरन लगा दी, जिसके कारण अब यह आंदोलन समाप्त हो चुका है। 365 के लिए अयाज मोहसिन, वीडियो एडिटर अरुण इंगड़े के साथ। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंडिया 365 लाइव।